हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज दर्शन। तो आज हम देखने वाले हैं i20 डीजल का ड्राइविंग डायनेमिक्स। मेरे कई व्यूअर्स है, उसने मेरे को कमेंट करके बताया कि मेरे को बोला कि मेरे को ड्राइविंग कैपेबिलिटी भी देखनी है i20 की। तो i20 डीजल में ड्राइविंग कैपेबिलिटी कैसी है, ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे है, इसमें आपको क्या क्या नजर आता है ड्राइविंग करते समय, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहे। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ इसमें आपको केबिन नॉइस कितनी है। अभी गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हो मैं म्यूट हो जाता हूं। इतना नॉइस आता है इस गाड़ी में, डीजल है तो फर्स्ट गियर में डाला हूं। अभी मेरे को किस बात पे अच्छा लगता है पता है, हुंडई की i20 में अगर आप क्लच पे से थोड़ा भी पैर हटाते हो ना तो गाड़ी ऐसे ही चलने लगती है। बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि इसमें पावर की तो कोई कमी नहीं है यार। 1400cc का डीजल इंजन आता है इस गाड़ी में, और 1400cc का डीजल इंजन मैं बात करता हूं तो क्रेटा में मिलता है, और क्रेटा का इंजन डायरेक्टली i20 में दे दिया। i20 हैचबैक है, उसका मतलब वजन नहीं है, तभी भी इस गाड़ी में। और इस गाड़ी में आपको मतलब कि मेरे को तो यार ड्राइविंग कैपेबिलिटी अच्छी लगती है। और ब्लाइंड स्पॉट की मैं बात करूं तो ब्लाइंड स्पॉट इस गाड़ी में है नहीं। यहाँ पे देखो बहुत ही कम जगह में पिलर बनाया है, और बोनेट की बात करें तो बोनेट नहीं दिखता है, पहली बात तो ये, क्योंकि आई थिंक सारी हैचबैक में बोनेट नहीं दिखता है। आपको थोड़ा अंदाजा तो लगाना ही पड़ता है, नए नए ड्राइवर है उसके लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है यार इतना भी नहीं है। एक बार चला ले के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी गाड़ी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पे मैं टॉप स्पीड तो नहीं करूंगा यार, रोड ऐसा नहीं है, बट ठीक है टॉप स्पीड इसकी हो भी नहीं सकती। मैंने एक बार इस गाड़ी को चला करके देखा था, 160 तक गई थी आराम से, मतलब ऐसे ज्यादा भी जा सकती है, बट मैं नहीं चलाता यार इतनी ज्यादा, मैं मतलब 80 से बाहर नहीं जाता यार। जैसे जैसे मतलब पता चल जाता है, टाइम जाता जाता है, वैसे हम यंग होते जाते हैं, यंग होते होते हम गाड़ी चलाना भी कम कर देते हैं यार। ठीक है इतना नहीं है, मैं नहीं चलाता इतनी। बाकी मैं पावर की बात करूँ तो पावर आउटपुट तो बहुत ही अच्छा है। देखो यार क्या ही मतलब थर्ड गियर में गाड़ी है, थर्ड गियर में गाड़ी ऊँ भी नहीं दिखाता हूँ आपको। देखो यार यहाँ पे कितना यार मस्त है यार, देखो देखो आप दिखाता हूँ, दिखा आपने पूरा रोड है ना यार, रोड यहाँ पे मतलब कैसा है पता है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे डैम है, डैम बना है और डैम के बाजू में ही है, मतलब यहाँ पे यार बहुत मजा आता है। ठीक है बैक टू द पॉइंट, तो इस गाड़ी में आपको पावर की तो कोई कमी नहीं है, कोई मतलब कोई भी कमी नहीं है, हम नहीं बोल सकते इस गाड़ी में पावर की कमी है यार, मस्त भागती है लिटरली। और दूसरी बात मैं बोलूँ तो इस गाड़ी में ड्राइविंग डायनेमिक्स में हम क्या देख सकते हैं, इसमें ब्रेक कैसी है, तो ब्रेक मानो ना मानो अच्छी है। हुंडई का मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था एक, जिसमें बोल रहे थे कि ठीक है इस गाड़ी में आपको मतलब ब्रेक का इतना मतलब नहीं मिलता है, हुंडई ने कुछ कसर छोड़ी है। मेरे को वैसा कुछ लगा नहीं है, आज तक फील हुआ नहीं है। आगे डिस्क ब्रेक मिल जाती है, पीछे इसमें ड्रम ब्रेक मिलती है, बट ठीक है इतना भी खराब नहीं है यार, अच्छी ब्रेक है, इतनी खराब नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, मैं बोलता हूँ आपको अच्छा ही बोलूंगा, सच बोलने सिवा मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे वीडियो में झूठ नहीं बोलूंगा। इस गाड़ी में मेरे को कमी लगी, स्विफ्ट में इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा था, इसका भी इनिशियल पिकअप बहुत ही अच्छा है, बट कहीं ना कहीं मेरे को स्विफ्ट थोड़ी है ना यार, जेन्यूनली बताऊँ तो मेरे को स्विफ्ट थोड़ी नॉर्मल सी मेरे को फ्री लगती है यार गाड़ी, वो फ्री स्टाइल बोल सकते हैं हमको उसको, फोर्ड की फ्री स्टाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है उसका एक मैं वर्ड देना चाहता हूँ फ्री स्टाइल, क्योंकि यार वो है ना यार फ्रीली भागती है, कुत्ते की तरह भागती है, मतलब इनिशियल पिकअप की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार पिकअप पकड़ लेती है बाद में i20 का मुकाबला वो स्विफ्ट नहीं कर सकती मेरे से आप राय लो तो। ड्रैग रेस की बात नहीं है, मैं नहीं करता ड्रैग रेस क्योंकि मेरे को गाड़ी खराब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी के लिए। तो वैसे अच्छी बात मैं बोलूँ i20 की तो i20 भी रियली अच्छा ड्राइविंग डायनेमिक्स देती है, इतनी गाड़ी चली है वैसे तो इतना मैं खराब तो नहीं बोल सकता इसके लिए, क्योंकि ये खराब नहीं है, लिटरली नहीं खराब है, मजा आता है गाड़ी में। एवरेज की हम बात करें, पिछले वीडियो में मैंने बोला था आपको मैं एवरेज बताऊंगा, आपको बोले मैंने बोला था कमेंट में आप एवरेज लिखो, तो मेरे को इस गाड़ी में एवरेज 23 की मिली है, कितनी हाईवे पे मेरे को ये 23 का एवरेज दे रही है पर लीटर डीजल, तो बहुत ही अच्छी बात है इतनी एवरेज मिलनी, वो मतलब सौभाग्य की बात समझ लो, क्योंकि आज की डेट में एवरेज के नाम पे जब्बा मिलता है, 1400cc का डीजल इंजन है वो इतना एवरेज देता है, तो लिटरली अच्छी बात ही है ना यार, क्या ही मैं बोलूँगा।
वैसे हम मैनुअल चलाने वाला बंदे हैं, तो मैनुअल में भी मेरे को अच्छा ही मिल रहा है ना यार, 23 की एवरेज मतलब बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी हम बात करें तो देखो दूसरे ईयर में है, अभी ढलान आ रही है यार। देखो ये ढलान है, हिल स्टेशन तो नहीं है बट ठीक है, हमारे गांव में मतलब ये सब सब है, माहौल है रोड का। ये तो यार बच्चे की तरह चढ़ जाती है, सही में चढ़ जाती है आराम से, आराम से। इसमें कुछ इसको इसको कोई जोर मिलता ही नहीं है यार, बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया है। बाकी कुछ पॉइंट मेरे से छूट जाता है तो वीडियो में आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।